फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर न्यू मोबाइल सेल स्टार्ट हो गई है। लगभग 22 दिसंबर तक चलने वाली है ये सेल। अमेजोन ने इस सेल का नाम मोबाइल सेविंग डे सेल के नाम से रखा है, जबकि फ्लिपकार्ट ने बिग सेविंग डे सेल के नाम से रखा है। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बताने वाला हूँ अंडर ₹15,000, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सेल चल रही है, तो इस समय पर 15,000 के नीचे कुछ बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाते हैं। और वैसे भी आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे कि बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बताइए 15,000 के नीचे। तो फाइनली इस वीडियो में हमने आपके लिए कुछ बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन को रखा है जो कि आपको 15,000 के आसपास मिल जाएंगे। ऑल दो कैमरा के अलावा भी बाकी के फीचर्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपका भी बजट 15,000 के आसपास है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो गाइस, नंबर 1 पर हमने रखा है रियलमी 8 को। इस फोन में आपको कैमरा सेटअप तो अच्छा देखने को मिल ही जाएगा, इसके अलावा बाकी के फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं। इसे आप एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। चलिए पहले हम कैमरा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फोन क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि ओमनी विजन का सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है। और बाकी के दो और कैमरे दिए गए हैं 22 मेगापिक्सल के, जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। रियर कैमरे से आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और वहीं पर 1080p में 30 और 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो 15,000 के नीचे कुछ ही ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से Realme 8 भी है। 10x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। सेल्फी कैमरा की बात करोगे तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है, और ये सेंसर सोनी की तरफ से आता है। तो रियर कैमरा के कंपैरिजन में सेल्फी कैमरा के ज्यादा क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको। फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा अच्छे मिल जाएंगे आपको इस फोन के अंदर। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि नॉर्मल 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन रियलमी UI 2.0। मीडियाटेक G95 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। 3 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छा स्कोर है। और हाँ, ये एक 4G चिपसेट है 12nm पर बना हुआ है, जिससे आप नॉर्मल और हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। डे टू डे यूजर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। इसी के साथ ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। UFS 2.1 स्टोरेज के साथ आता है। बैटरी के बारे में बात करोगे तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। उसी को चार्ज करने के लिए 30W का चार्जर दिया गया है, तो अराउंड 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है इस फोन की बैटरी। बाकी डिजाइन वगैरह की बात करोगे तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, लेकिन डिजाइन आप देख सकते हो अच्छे डिजाइन के साथ आता है। और ये फोन स्लिम है और लाइट वेट है, सिर्फ 8mm थिकनेस के साथ आता है। तो यही कुछ फीचर्स आपको Realme 8 में देखने को मिल जाएंगे। प्राइस की बात करोगे तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए ₹17,000 पे करने होंगे। लेकिन रुको, इस समय पर इस फोन पर आपको ₹1,500 का प्रीपेड डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि लगभग सभी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएंगे आपको। और अगर आपके पास SBI के क्रेडिट कार्ड है तो ₹1,000 का और अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली ये फोन आपको 14,500 में मिल जाएगा इस समय पर। और 14,500 के प्राइस पॉइंट पे अगर आपको एक ऑलराउंडर तगड़ा सा स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली इस फोन को आप परचेज कर सकते हैं। और नंबर 2 पर हमने आपके लिए एक नॉन चाइनीज फोन को रखा है। तो इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M32 4G। अंडर 15,000 ये फोन सैमसंग की तरफ से वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है, क्योंकि इसमें हमें बड़ी सी बैटरी, अच्छा कैमरा सेटअप, सबसे अच्छा डिस्प्ले और ऑफ कोर्स सैमसंग की ब्रांडिंग, ये सभी चीजें इस फोन में हमें देखने को मिल जाती है। बस परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउन रहेगा ये फोन। चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, 9.3mm थिकनेस के साथ आता है, मतलब ये फोन थोड़ा सा मोटा होगा। एंड 196g वेट भी दिया गया है, मतलब वेट ठीक ठाक दिया गया है, ज्यादा भारी नहीं है। जबकि इसमें 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी लगी हुई है एंड उसी को चार्ज करने के लिए 15W का चार्जर मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन ये फोन 25W फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, तो अगर आप बाहर से परचेज करना चाहते हैं 25W का चार्जर तो कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन One UI 3.1। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस 90Hz वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि 15,000 के नीचे अभी भी इकलौता फोन है जिसमें हमें फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद 90Hz रिफ्रेश रेट। अप टू 800 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है।
तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन A1 है अंडर 15,000। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ये फोन क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और दो और कैमरे देखने को मिल जाएंगे 22 मेगापिक्सल के जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा मॉड्यूल अच्छे दिए गए हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन मीडियाटेक G80 चिपसेट के साथ आता है जो कि एक 4G चिपसेट है, 12nm पर बना हुआ है। 210,000 के आसपास अंतुदु स्कोर देखने को मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस आपको स्लाइटली डाउन मिलेगा बाकियों के कंपैरिजन में। एज ऑलवेज सैमसंग का फोन है तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउन तो रहेगा ही, लेकिन बाकी के फीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 15,000 रुपये पे करने होंगे, लेकिन इस पर आपको 1500 रुपये का कूपन मिल जाएगा इस समय पर, और अगर आपके पास ICICI के डेबिट कार्ड है तो 1500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर वन कार्ड के क्रेडिट कार्ड है तब भी 1500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली ये फ़ोन आपको इस समय पर 12,000 में मिल जाएगा, पूरे 3,000 का डिस्काउंट दिया गया है। अगर ये फोन 12,000 में मिल रहा है तो ज़्यादा सोचो मत, जल्दी से जाओ और परचेज कर लो, क्योंकि आपको एक बेस्ट डिस्प्ले मिलने वाला है, साथ में बड़ी सी बैटरी मिल जाएगी, अच्छा कैमरा सेटअप दिया गया है। 13 से 14 हज़ार में भी मिलता है तब भी इस फोन को आप परचेज कर सकते हो। नंबर 3 पर हमने आपके लिए एक ऐसे स्मार्टफोन को रखा है जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा अंडर 15,000। तो इस फोन का नाम है मोटो G60। वैसे तो इस फोन का एक्चुअल प्राइस 17 से 18 हज़ार के आसपास रहता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था सेल चल रही है तो ये फोन भी इस समय पर 15,000 के नीचे ही मिल जाएगा आपको, और 15,000 के हिसाब से मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, लेकिन अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है। 9.6 mm के थिकनेस के साथ आता है, मतलब ये फोन थिक है, थोड़ा सा मोटा लगेगा आपको। इसके साथ ही 220 ग्राम वेट के साथ आता है, मतलब भारी भी होगा थोड़ा सा ये, क्योंकि दोस्तों इसमें लगा हुआ है 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी, एंड उसी को चार्ज करने के लिए 20W का चार्जर भी दिया गया है। तो बैटरी को फुल चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे लग जाता है। हालांकि बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, तो किसी भी तरह का स्क्रीन ब्लॉटवेयर और एड्स नहीं मिलेगा, जिससे बैटरी बैकअप काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बाकी एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी मिलेगा आपको। चलिए कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए आता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, बाकी दोस्तों रियर कैमरे से USD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 120 fps में। फ्रंट से भी USD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन 60 fps में। तो USD मतलब ये है कि 4K से नीचे और 1080p से ऊपर। तो ऑन पेपर कैमरा तो अच्छा देखने को लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ में कैमरा इतना ज्यादा अच्छा नहीं है इस फोन का, लो लाइट में काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। इसमें आपको डिस्प्ले काफी अच्छी मिल जाएगी, तो 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ऑल्सो HDR 10 सर्टिफाइड है, तो डिस्प्ले आपको मक्खन की तरह मिल जाएगी, हालांकि IPS पैनल है। डिस्प्ले पे कौन सा प्रोटेक्शन लगा हुआ है ये तो नहीं पता चल सका। इसी के साथ इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 732G का 4G चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 8nm बेस्ड प्रोसेसर है। 3 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छा स्कोर है, आराम से आप हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, 2 सिम या फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलेगा, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जहां से ये फोन थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो यही कुछ फीचर्स आपको मोटो G60 में देखने को मिल जाएंगे। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 16,499 रुपये पे करने होंगे, लेकिन अगर आपके पास SBI के क्रेडिट कार्ड है तो 1000 रुपये का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब ये फोन आपको 15,500 के आसपास मिल जाएगा। तो अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होना चाहिए, साथ में सेल्फी कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का हो, ऑल दो 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी है, 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी है, क्लीन UI के साथ आता है, सभी फीचर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। सभी स्मार्टफोन के बेस्ट वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। नंबर 4 पर भी हमने आपके लिए एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन को रखा है। तो इस फोन का नाम है Redmi Note 10S। इस फोन के कैमरे से भी 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस वाले फोन में। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड
एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो, अच्छे डिज़ाइन के साथ आता है, 8.3 mm के थिकनेस के साथ आता है, मतलब ये फ़ोन स्लिम है एंड 178 ग्राम वेट के साथ आता है, तो मतलब भारी भी नहीं है, लाइट वेट के साथ आता है। बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में भी हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है एंड उसी को चार्ज करने के लिए 33 वाट का चार्जर दिया गया है। Xiaomi अगेन क्लेम करता है कि 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा इस फोन की बैटरी। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन MIUI 12.5। कार्ड स्लॉट के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। 4G नेटवर्क के साथ आता है क्योंकि इसमें लगा हुआ है MediaTek G95 का चिपसेट जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। 3 लाख के आसपास अंतुदु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छा स्कोर है। नो डाउट नॉर्मल और डिसेंट लेवल की गेमिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है, मतलब डेटा ट्रांसफर भी काफी तेजी से कर पाएंगे। Xiaomi का फोन है तो इसमें भी आपको IR ब्लास्टर मिल जाएगा। डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें हमें डिस्प्ले भी अच्छा मिल जाता है, 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है। नॉर्मल 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, अप टू 1100 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट और पंची कलर के साथ आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। डिस्प्ले के मामले में ये फोन A1 है। अच्छी बात यह है कि इसमें भी आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे तो स्पीकर आउटपुट से भी कोई इशू नहीं रहने वाला है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ये फोन क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 64 MP का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 MP का देखने को मिलेगा जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और सेकंड कैमरा सोनी का सेंसर है जो 8 MP का है। 2 और सेंसर देखने को मिल जाएंगे 22 MP के जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। फ्रंट में 13 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस फोन के रियर कैमरे से आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा फोन है ये। चलिए बात करते हैं प्राइस कितनी है, तो 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 14,999 रुपये पे करने होंगे, और अगर आपके पास वन कार्ड या फिर ICICI के डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो 1000 से 1500 का और अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। इफेक्टिवली 14,000 के आसपास ये फ़ोन आपको मिल जाएगा इस समय पर, और 14,000 के हिसाब से अच्छा डील है जिसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है, फीचर्स अच्छे दिए गए हैं। 14-15 हज़ार के प्राइस पॉइंट पर कंसीडर कर सकते हो। अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो नंबर 5 पर हमने आपके लिए एक 5G फोन को रखा है और ये फोन रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, तो इस फोन का नाम है मोटो G51। 15,000 के नीचे इस समय पर सबसे अच्छा 5G फोन है जिसमें आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से, तो ये फोन पॉली कार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, 9.1 mm थिकनेस के साथ आता है, स्लाइटली थोड़ा सा थिक जरूर लगेगा आपको, एंड 208 ग्राम वेट के साथ आता है, तो थोड़ा सा हैवी भी आपको लग सकता है। बाकी दोस्तों ये फोन टॉल है, बड़ा सा है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि काफ़ी तेजी से काम करता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 SIM या फिर 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, हालांकि ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन होना चाहिए था क्योंकि ये एक बजट 5G फोन है। 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है जो कि नियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, किसी भी तरह का ब्लोटवेयर एड्स और स्किन नहीं मिलेंगे आपको, क्लीन UI देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। मोटो ने प्रॉमिस किया है कि इस फोन में आपको बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा। बैटरी के बारे में बात करोगे तो 5000 mAh बैटरी के साथ आता है एंड उसी को चार्ज करने के लिए 20W का चार्जर मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ आता है। कैमरा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं, ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 50 MP का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड और डेप्थ सेंसिंग के लिए काम आता है। थर्ड कैमरा 2 MP का दिया गया है जो कि मैक्रो लेंस है। फ्रंट में पंच होल के साथ 13 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। रियर कैमरे से 1080p में 30 और 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वाइल फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट टाइप का मिल जाएगा। 6.8 इंचेस की फुल HD प्लस बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि IPS पैनल के साथ आता है, लेकिन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो कि काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। 15,000 का फोन है जिसमें आपको 5G का भी सपोर्ट मिल रहा है और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है तो ठीक ठाक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। NEG का ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है जिसे आप कंपेयर कर सकते हो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से।
परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इसमें लगा हुआ है ब्रांड न्यू वर्ल्ड फर्स्ट स्नैपड्रैगन 480 प्लस का 5G चिपसेट जो कि 8nm पर बना हुआ है। मतलब बैटरी कंजप्शन काफी कम होगी क्योंकि वैसे भी ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है। वैसे अंतुतु स्कोर के बारे में बात करें तो 3 लाख के आसपास देखने को मिल जाती है, समटाइम इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है या इससे कम भी। और ये इक्विवेलेंट स्कोर है डायमेंसिटी 800U 5G चिपसेट इतना। UMCP का स्टोरेज टाइप दिया गया है जिसे आप कंपेयर कर सकते हो UFS 2.1 स्टोरेज से। अब मैं आपको बता देता हूँ इस फोन को आपको क्यों परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों इस फोन में हमें 12 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है जिससे ये एक ट्रूली 5G फोन बन जाता है और कम्प्लीटली फ्यूचर प्रूफ 5G फोन भी बन जाता है। तो 5G के नाम पर आपको चूना नहीं लगाया जा रहा है यहाँ पर। चलिए जानते हैं प्राइस कितना है। तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 14,999 रुपये पे करने होंगे। फिलहाल ये फ़ोन एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है 4/64 के साथ, जिसके लिए आपको 15,000 रुपये पे करने होंगे। लेकिन हम मोटो से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसका 6/128 वाला स्टोरेज भी अवेलेबल करवाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या हमें इस फोन को परचेज करना चाहिए। तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो अगर आपको 120 हर्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले चाहिए विद 5G कनेक्टिविटी, साथ में 12 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है और मोटो का फोन है तो क्लीन UI के साथ तो आता ही है। तो यही कुछ फीचर्स इस फोन को खास बना देता है। बाकी बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों यही थे कुछ बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन एंड ऑल राउंडर स्मार्टफोन अंडर ₹15,000। इनमें से आप किसी को भी परचेज कर सकते हो, बस आपको ये देखना है कि आप किस पर्पस के लिए फ़ोन परचेज करना चाहते हो। बाकी आप मुझे ज़रूर बता के जाना कि आपको इन सभी में से बेस्ट कौन सा लगा और आप कौन सा परचेज करने की सोच रहे हो। बाकी अभी भी आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।